ये आरक्षण का इसलिए इंतजाम किया गया था कि पहले से एक आरक्षण चला आ रहा था जिसको हम वैदिक आरक्षण करते हैं, यानी शिक्षा में सारे ब्राह्मण ही होंगे, सेना में सारे छत्री ही होंगे, पटवारी जो होंगे कायस्थ ही होंगे, पढ़ने लिखने वाले में कोई उच्च जातियों के लिए, उस आरक्षण को तोड़ने के लिए आरक्षण आया था। लेकिन हमारे ही लोगों का, हमारे ही पिछड़े जात के नाम पर प्रधानमंत्री बना के नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर रहे हैं, राम कोविंद को राष्ट्रपति बना करके उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। कहने के लिए मंत्री 27% पिछड़े के हो गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और 18% हो गए दलितों के, और 13% हो गए आदिवासियों के, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? शंकराचार्य की मूर्ति बन रही है, रामानुजाचार्य की मूर्ति बन रही है, और राष्ट्रपति हमारी जा रही है तो ब्राह्मण मंत्र डाल कर उनको उनका ब्राह्मणीकरण कर रहा है। हम संघर्ष किए तक हमारा आदमी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हमने इसके लिए लंबा संघर्ष किया और हमने इसमें जीत, और लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दिया। और जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि ये साहू जी का आपने काम बदल दिया, तो मुलायम सिंह जानते क्या बोले, ये चाहू जी कौन है, बसपा पार्टी पहले थी, चलो एक हद तक कांसीराम के जमाने, तो अब वो भी सर्वजन की बात करने लगी, फरसे की बात करने लगी, परशुराम की बात करने लगी, विचारधारा ही छोड़ दिया। कांग्रेस से लेके बहुजन पार्टियों तक सारे लोग हिंदुत्ववादियों साफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल, किसी मामले पर मुसलमानों के साथ निर्णायक तरीके से खड़े होने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर आज ही के दिन 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने दलित पिछड़ा आदिवासियों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था ताकि भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उसी उपलक्ष्य में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुजनों की मीटिंग है, एक दिवसीय सेमिनार है, जहाँ पर बहुजनों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो इस पर विचार है। हमारे साथ है सिद्धार्थ, जो बहुजन चिंतक हैं, लेखक हैं, और लगातार सामाजिक मुद्दों पे बोलते रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज 102वां उपलक्ष्य है, साहू जी महाराज ने उस टाइम पे ये चीज़ भाप ली थी कि जो कमज़ोर है, जो पीड़ित है, उसको जो है आरक्षण देकर ही मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन आज 102 साल बाद भी बहुजनों की स्थिति जो कि तो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो एक हद तक हम भी हैं कि हम जो आरक्षण का महत्व था उसको उस तरह समझ नहीं पाए। एक तो हमें जो आरक्षण मिला था उच्च पदों पर भी जाने का, उसका उद्देश्य था कि हम वहाँ से अपने पूरे समाज के लिए न्याय करेंगे। ये कोई आरक्षण आर्थिक तौर पर समृद्ध होने के लिए नहीं था, या नौकरी के लिए केवल नहीं था, या कोई हम आर्थिक तौर पर धनी हो जाए इसके लिए नहीं था। आरक्षण ये था कि पूरे पिछड़े समाज को, पिछड़े दलित समाज को, आदिवासियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे न्याय मिले, इसके लिए आरक्षण का इंतजाम किया गया था। और ये आरक्षण का इसलिए इंतजाम किया गया था कि पहले से एक आरक्षण चला आ रहा था जिसको हम वैदिक आरक्षण करते हैं, यानी शिक्षा में सारे ब्राह्मण ही होंगे, सेना में सारे छत्री ही होंगे, पटवारी जो होंगे कायस्थ ही होंगे, पढ़ने लिखने वाले में कोई उच्च जातियों के लिए, उस आरक्षण को तोड़ने के लिए आरक्षण आया था कि कैसे उनके वर्चस्व को तोड़ा जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज देखिए न्यायपालिका में उनका पूरा वर्चस्व कायम, पूरी न्यायपालिका जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपर कास्ट से बढ़ी हुई। इसी तरह से आप देख लीजिए नौकरशाही, जब आप देखते होंगे तो राजनेता भले संसद विधानसभा में वो बनाता है, लेकिन उसका ड्राफ्ट जो तैयार करता है, उसे लागू जो करता है, वो नौकरशाही होता है। जो मुख्य सचिव होते हैं, अतिरिक्त सचिव होते हैं, ज्वाइंट सचिव होते हैं, उनकी अभी लोकसभा में जो लिस्ट पेश की गई है उसमें 90% अपर कास्ट के भरे हुए। विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उन्हीं का वर्चस्व कायम है। मीडिया के, ये मीडिया तो हम लोग जनहित मीडिया बना करके चला रहे हैं, लेकिन जो मीडिया का मुख्यधारा की मीडिया कहते हैं, कॉरपोरेट मीडिया, उन पर उनका कब्जा है, अखबारों पर उनका कब्जा है, टीवी चैनलों पर उनका कब्जा है। कॉरपोरेट जिसको हम कह रहे हैं, जिसने 98 लोगों ने देश के लगभग जितनी संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के पास नहीं है, वो केवल 98 लोगों के पास है। वो कौन लोग हैं? सब अपर कास्ट के लोग हैं। यानी आर्थिक जीवन देख लीजिए, शैक्षिक जीवन देख लीजिए, न्यायपालिका देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो जो इन सारे क्षेत्रों में साहू जी महाराज वर्चस्व तोड़ना चाहते थे, उसमें कहीं हम वर्चस्व, एक जगह हम वर्चस्व तोड़ने में थोड़ा सा उनका सफल हुए हैं, वो है राजनीति का क्षेत्र। कि अब उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो राष्ट्रपति बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, मंत्री बनाए, लेकिन मजबूर तो हुए वो हमारे संघर्षों के चलते। लेकिन हमारे ही लोगों का, हमारे ही पिछड़े जात के नाम पर प्रधानमंत्री बना के नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर रहे हैं, राम कोविंद को राष्ट्रपति बना करके उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। यानी हमारे संघर्षों के चलते हमको प्रतिनिधित्व देने को मजबूर हुए, लेकिन उन्हीं लोगों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया जा रहा है।
तो एक राजनीति के क्षेत्र में जो थोड़ा पदित्व मिला था उसका भी इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो आज अगर हम साहू जी का विजन किसी को कुछ खास लोगों को आरक्षण देना नहीं था, महिलाओं को न्याय मिले, मजदूरों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, आदिवासियों को, आप जानते होंगे सभी के लिए उन्होंने काम किया था, अरे किसानों को न्याय मिले, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको न्याय मिले, सारे दलितों को न्याय मिले, पिछड़ों को न्याय मिले, कोई भी कमजोर आदमी उसको न्याय मिले, वो चाहते थे और ऐसा राज उन्होंने अपना बनाया था। और उसी उद्देश्य से जो भी न्याय का काम वो करना चाहते थे ब्राह्मण करने ही नहीं देते थे, जो भी न्याय का काम करना चाहते थे ब्राह्मण और वहाँ पर कायस्थ थे, प्रभु जिनको बोला जाता था, और कुछ पारसी जो करने ही नहीं देते। तो सोचे जब तक ये रहेंगे कुछ करने ही नहीं देंगे, जब तक इनको हटाएंगे नहीं और पिछड़ी जातियों दलित जातियों लोगों को लाएंगे नहीं तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने आरक्षण लाया था। लेकिन आज हमारे राष्ट्रपति भी हो रहे हैं, पिछड़ी जातियों से प्रधानमंत्री भी हो रखे हैं, मंत्री भी तमाम हो रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि लगातार पिछड़ी जातियों के खिलाफ हमले, एक जो आरक्षण दलितों की आदि कम से कम दलित समाज आदि सही समाज अति पिछड़ों की उन्नत का एक रास्ता था आरक्षण, अब सारी चीज़ों का निजीकरण करके उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो आज 120 बरस बाद हम देखते हैं तो स्थिति काफ़ी चुनौती भरी हुई और चिंताजनक है सर। लेकिन हम एक जब बातें बोलने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामाजिक चिंतन है, नेता लोग हैं बातें करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि SSD समता सैनिक दल बाबा साहेब ने उसी टाइम पे लगभग शुरू की थी, बल्कि RSS से पहले उसी टाइम पे RSS शुरू हुआ था, लेकिन क्या वजह रही कि SSD कामयाब उस तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन RSS ने आज, क्योंकि और हम कहते हैं कि वो 2% है ब्राह्मण, 5% लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग, हमारी संख्या इतनी भारी है, ज़्यादा है बहुजन समाज की, उसके बावजूद भी वो क्यों पिछड़ा रही है? इसका जवाब देखिए, इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था गुलामगिरी में, अरे फूले साहब ने, ज्योतिराव फूले ने इसका जवाब दिया था कि पहले भी ब्राह्मण इतने ही थे, लेकिन इतने समय तक राज करते रहे, शासन करते रहे, सत्ता पर रहे, क्यों कैसे? उन्होंने क्या किया है, हमको बांट दिया है, 6000 जातियों में बांटा, फिर अलग अलग OBC को दलित से लड़ा दिया। OBC में भी 3 तरह के लोग हैं, किसान वाले लोग हैं, पशुचारक लोग हैं, उसमें शिल्पकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, उसके अलावा सेवक जातियां हैं, कहाँ हैं, कुम्हार हैं, उनके बीच में देखते हैं कितनी दूरी है जमीन के लेवल पर, यहाँ बात करना बहुजन की अलग बात है, उनके बीच में ही दूरी है। दलितों में वाल्मीकि और गैर दलित के बीच कितनी दूरी है, वाल्मीकि उनको वोट देता है, पासी और जाटों के बीच की कितनी दूरी है। तो ये जो हमारा बंटवारा, अच्छा अब ये बंटवारा कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोगों में, चेतन लोगों में कमज़ोर पड़ रहा है, एक छोटा सा, लेकिन बहुत छोटा हिस्सा है वहाँ बंटवारा, और क्या हो रहा है मजबूत, और एक बंटवारा और खड़ा हो गया है जिसका भाजपा भी फायदा उठा रही है, और सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी, कि हमारे जो 70% 80 दलितों में 85%, पिछड़ों में 70% 65% जो गरीब लोग हैं, जो आरक्षण का कोई फायदा सीधे नहीं पाते हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई है, ना वो इंटर के, हमारे 90% लोग आप जानते होंगे बहुजनों के, आदिवासियों दलितों पिछड़ों के जो 90% लोग होते हैं वो इंटर जाते जाते पढ़ाई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं 90%, और अब जो पढ़ाई हो रही है हाई स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल की, तो आरक्षण में जा ही ना सकते। तो हम उनकी चिंता कर ही नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे दिल्ली में ही यहाँ पे हैं, आप दिल्ली से परिचित होंगे, यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, स्लम बस्तियों में रहते हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या तो पानी की है, उनकी समस्या तो शौचालय की है, उनकी समस्या तो छोटे से डॉक्टर की है, उनकी समस्या तो हर जल उजाड़े जाने की है, हम उस पर लड़ रहे हैं, हम उस पर बोलते ही नहीं हैं, हम केवल 2 बात पर बोलते हैं, आरक्षण पर और हमारे नेता मंत्री प्रधानमंत्री बना कि नहीं, हमें वो इस पर बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम जो अपने 70% लोगों को आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, हमसे किनारे कर लिया। आपको मालूम है ना कि 7-8 विधायक यहाँ जीत जाते थे दिल्ली में, 8-12% तक वोट मिलता था बसपा को, वो सारे वोट कहाँ चले गए आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि हमने अपने 70% लोगों की चिंता नहीं की। आप एक बात कहें, आपका ज़्यादा समय नहीं, आप ये बताइए कि जैसे यूपी है, यूपी से आप परिचित होंगे अगर, तो वहाँ पर 85% दलितों के जो बच्चे हैं, 85-90% दलितों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें से पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा किसी आरक्षण की नौकरी के लिए फाइट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम उस पर नहीं बोलते, उसका कारण क्या, हम क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्योंकि हम जो बोलने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम तो सोचते हैं कि हमारे, हमको ध्यान, चिंता ही नहीं है उनकी, हमको उनकी चिंता ही नहीं है। तो इस तरह से एक नया बंटवारा पैदा हो गया हमारे बीच में, 15% और 85 का, हमारे बीच में भी, यानी 15% लोग हम अलग हो गए हैं, हमारे 85% लोग उनके साथ जा रहे हैं।
फिर हमको जातियों में लड़ा दिया कि यादव ज़्यादा हक ले लिया है, कुर्मी ज़्यादा हक ले लिया है, फलाना ज़्यादा हक ले लिया है, तो ये भी एक टकराहट पैदा हो गई। जाटों ज़्यादा हक ले लिया है, चमार ज़्यादा हक ले लिया है, ये भी एक टकराहट उन्होंने कर दिया। तो जब तक हम अपने लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे आपस, जब तक अपने न्याय नहीं करेंगे यूनिटी नहीं कायम होगी। बाबा साहब ने कहा है कि भाईचारे के लिए ज़रूरी क्या है, समता कायम हो, और जब तक हम आपस में समता नहीं करेंगे भाईचारा नहीं कायम होगा, और भाईचारा नहीं कायम करेगा तो सही अर्थों में बहुजन समाज नहीं बनेगा। सर बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद ओबीसी समाज से होने का दावा करते हैं, वहीं जो आदि अभी राष्ट्रपति बनी है वो आदिवासी समुदाय के हैं। हाँ, वो आदिवासी समुदाय, उससे पहले जो थे वो दलित समुदाय से थे। तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो सबसे ऊंचे पद हैं 3-2, वहाँ पर तो बहुजन समाज के लोग। हाँ, तो इसी को आपने नाम सुना होगा, जगदेव प्रसाद बिहार के थे, बहुत बड़े बहुजन समाज के लीडर थे। तो कहते थे कि राजनीति खलवाही। पहले अब गांव में क्या होता था कि जब ये आरक्षण आया था पंचायत में, प्रधानी में, यूपी में प्रधानी होता था, बिहार में मुखिया होता था, तो जब ये चुनाव आया था तो पार्टियां क्या करती थीं, अपने किसी पुराने हरवाहे को, अपने किसी काम वाले आदमी को अपरकाश खड़ा कर देता था। वो प्रधान तो हो जाता था लेकिन काम करता था उनके हिसाब से। तो एक तरह से अब, और इसी को बाबा साहब ने कहा था, पुनः प्रैक्टिस ही न तो करना चाहते थे कि अगर पुनः प्रैक्ट नहीं होगा तो क्या बन जाएंगे, टूल बन जाएंगे, यानी उनके हाथ के उपकरण बन जाएंगे, अपरकाश के हाथ के उपकरण बन जाएंगे। और कंसीराम ने कहा था कि चमचे बन जाएंगे। तो अगर आज की तारीख में बहुत ही दो टूक तरीके से कहा जाए, निर्मम तरीके से कहा जाए, तो नरेंद्र मोदी हों, चाहे राम कोविंद हों, चाहे मुर्मू जी हों, ये क्या है, उनका एक तरह की राजनीतिक हलवाई कर रही है। कहने के लिए पद उनके हाथ में लेकिन काम उनके लिए कर रही है। कहने के लिए मंत्री 27% पिछड़े के हो गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और 18% हो गए हैं दलितों के, और 13% हो गए हैं आदिवासियों के, लेकिन वो काम किसके लिए करें। शंकराचार्य की मूर्ति बन रही है, रामानुजाचार्य की मूर्ति बन रही है, और राष्ट्रपति हमारी जा रही हैं तो ब्राह्मण मंत्र लाल कर उनको उनका ब्राह्मणीकरण कर रहा है। आदिवासी बनाए जा रहे हैं लेकिन आदिवासियों का हिंदूकरण करने की कोशिश हो रही है, कॉरपोरेट हमले उनके ऊपर हो रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, हमारे संघर्षों से जो चीज़ हमें मिली थी उसी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दिया। यानी हम संघर्ष किए तक हमारा आदमी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हमने इसके लिए लंबा संघर्ष किया और हमने इसमें जीत, और लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दिया। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वही ना कहते हैं कि यादव ले हक ले ले रहा है, जाटो हक ले रहा है, मैंने पिछड़ों को आपस में लड़ाना, दलितों को आपस में लड़ाना, यही ना नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और जितनी चीज़ें वो कर रहे हैं किसकी मूर्ति, अभी उन्होंने शंकराचार्य ने ही सबसे ज़्यादा बौद्ध मठों को नष्ट किया था, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का काम जिन लोगों ने किया था, पुष्मित सिंह के बाद सबसे बड़ा काम किया था शंकराचार्य ने, और सारे जगह पर जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसको भी शंकराचार्य ने नष्ट किया था। सबसे बड़ा हिंदू धर्म का संस्थापक शंकराचार्य है, और उसकी मूर्ति जाकर के हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, भव्य मूर्ति बना रहे हैं। आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ जैसी चीज़ को भी ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यानी जिस देश में जो भी बहुजनों और दलितों की परंपरा की चीज़ें हैं उसका ब्राह्मणीकरण कर दो, जो बचा कुछ अभी है उसका भी ब्राह्मणीकरण कर दो। तो एक तरह से ये राजनीतिक हलवाए हैं, आप समझ गए होंगे, गांव जहाँ से परिचित होंगे तो आप समझ गए होंगे, कहने को तो प्रधान है लेकिन वो जो वही करेंगे जो ऊंची जातियाँ वाले लोग चाहेंगे। सर आप लेखक हैं, इन मुद्दों पर बारीकी से समझते होंगे चीज़ों को, अगर प्रेजेंट टाइम में एमके स्टालिन को छोड़ दें तमिलनाडु में, बिल्कुल सही कहा, तो वो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में नॉर्थ में चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ये लोग खुल के बीजेपी का तोड़ नहीं निकाल पा रहे, बल्कि ये उन्हीं के जाल में फंसकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जिससे माइनॉरिटी भी इनसे नाराज़ हो जाता है, और बहुजन समाज तो उसके लिए काम करना तो मतलब समझिए छोड़ ही दिया। खुले आम जिस तरह की राजनीति कर, एक बात तो जान लीजिए बहुत बेवा खुले तरीके से, ये जो अपने यहाँ पिछड़ी कहने वाली पार्टियाँ रही हैं, जैसे सपा ही नाम लेके कह रहा हूँ, मुलायम सिंह है, अरे बसपा की सरकार में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम साहू जी महाराज, आज इन्हीं का नाम है, उसके नाते उनकी बात कर रहा हूँ, तो मायावती की सरकार ने उस अरे मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया था साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज। तो जो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए उन्होंने उसका नाम फिर से हटा दिया, यानी साहू जी का नाम हटा करके फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। और जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि ये साहू जी का आपने काम बदल दिया, तो मुलायम सिंह जानते क्या बोले, ये चाहू जी कौन है। आप कल्पना कर सकते हैं जिस साहू जी महाराज के चलते आज पिछड़ों का हक हकूक की बातें हो रही हैं, उसको वो उससे परिचित ही नहीं है मुलायम सिंह, और उनको साहू जी महाराज नाम से नफरत है,
और उसके नाम को बदल देते हैं वो किंजान मेडिकल। यानी जो हमारे यहाँ पिछड़ी पार्टियाँ रही, अभी मैं बसपा बात नहीं कर रहा, बसपा बात दो मिनट बात करता हूँ, जो हमारे सपा रही है, राजद रही है, जो बहुजन विचारधारा है, यानी ज्योति फूले की विचारधारा है, जो पेरियार की विचारधारा है, सावजी महाराज की विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा है, जगदेव बाबू की विचारधारा है, पेरियार की, फिरिया ललित सिंह यादव की विचारधारा है, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की विचारधारा है, अच्युतानंद की विचारधारा है, रामस्वरूप वर्मा, उस विचारधारा से उनका कोई संबंध ही नहीं कायम किया। पदोन्नति जैसी इतना बड़ा काम तो कोई नहीं कर पाया कि जो लोग थाना अध्यक्ष थे उनको सिपाही बनना पड़ा। ये पदोन्नत का सारा सिस्टम किसने खत्म किया? सपा की सरकार में खत्म है। आप कल्पना कीजिए कि मुख्य इंजीनियर है उसको फिर से जूनियर इंजीनियर बन जाना पड़ा, जो इसी थाना में थाना अध्यक्ष था उसको पदोन्नत, इतना ही नहीं हुआ कि पदोन्नत नहीं मिलेगी, ये तो मान ले हो जाता कि आगे पदोन्नत नहीं मिलेगी, जिनको मिली हुई है फिर से उनको पुराने पद पर हटा दिया जाए। किसके सरकार में हुआ? सपा की सरकार में हुआ। अरे संसद में बिल फाड़ दिया गया। ये अच्छा, कोई भी ऐसा भी एजेंडा लेकर के अखिलेश नहीं पिछले चुनाव में आए जिससे दलित समाज ये समझ सके कि चलिए अब पुरानी बात बदल गई है और हम लोग क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। और बसपा पार्टी पहले थी, चलो एक हद तक कांसीराम के जमाने, तो अब वो भी सर्वजन की बात करने लगी, फरसे की बात करने लगी, परशुराम की बात करने लगी, विचारधारा ही छोड़ दिया। तो जब आप कोई विचारधारा छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपके पतन से कोई रोक नहीं सकता। वो अपने विचारधारा पर मजबूती से कायम है, हम अपनी विचारधारा छोड़ते जाए। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चाहे कांग्रेस से लेके बहुजन पार्टियों तक, तो सारे लोग हिंदुत्ववादियों, साफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल रहे हैं, किसी मामले पर मुसलमानों के साथ निर्णायक तरीके से खड़े होने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग दलितों के मुद्दे पर भी उस तरह से तैयार नहीं है, साफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल रहे हैं। एक तरह से आप देखिए अभी राजपूत के चुनाव में क्या हुआ, राजपूत के चुनाव में विपक्षी पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया वो भी तो संघीय उम्मीदवार ही था, 20 साल तक आरएसएस का वो भाजपा की सरकार में रहा है, मंत्री रहा है। और इतना ही नहीं, जो अपर कास्ट के खिलाफ जनसंहार विद्यालय अरे हुए थे बिहार में, और रणवीर सेना के, उस आदमी का रणवीर सेना से संबंध था, ये कोई हम निजी बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में पत्रिकाओं में प्रकाशित है, उस आदमी को हम कैसे चुन लें? मैंने वो भी जो उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं, वो भी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जो खुलेआम अपर कास्ट के साथ था, जो हिंदुत्ववादी शक्तियों के साथ था, उससे अच्छा तो मुर्मू, उससे अच्छा हुई मुर्मू ना भाई, कम से कम उनका खुला करेक्टर तो नहीं है कि किसी नरसंहार में शामिल नहीं हो, अरे दलितों के और इसके, तो आप बताइए सारी बाजी मार ली तो विपक्ष का तो यही है। अब कहेंगे स्थिति निराशाजनक है, एक बात बहुत अच्छी, एक मित्र जान लीजिए, आप हो ये हो, जितने सवाल आप पूछ रहे हैं उसे लग रहा है ना चीज़ों से आप पर, एक बहुत तेज़ी से हो रहा है कि पहले अपने समाज बहुजन समाज में जो चीज़ों को जानने वाले दो चार आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब एक अच्छी खासी संख्या, आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या हो गई, और ये ज़्यादा दिन तक दबे चलेगा नहीं। ये जो चेतना संपन्न लोग हैं, आप जो पूछ रहे हैं सवाल, तो मान लीजिए आप मीडिया पर्सन के तौर से पूछ रहे हैं, लेकिन आपके मन में चिंता भी है, ये चिंता परेशानी सबको बेचैन कर रही है कि आखिर हमारी सारी जागरूकता के बाद, सारी चेतना के बाद, सारी समझदारी के बावजूद भी वो जीतते जा रहे हैं, हमारे क्यों जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन सही चीज़ों पर लोगों को ले जाएगी, यानी जो बहुजन चेतना का विस्तार हो रहा है ये एक सकारात्मक संकेत है। अब ये चेतना काफ़ी बड़ी हुई है, मैंने मध्य वर्ग में ही अभी केंद्रित है, नीचे तक नहीं जा पा रहे, नीचे से हम कटे हुए हैं, लेकिन ये जो मध्य वर्ग के पढ़े लिखे सचेतन हिस्से में चेतना आई है, ये चेतना आज नहीं तो कल इस स्थिति को पलट देगी, ये मुझे विश्वास है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एक बात तो तय है कि आपको मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही हो। जेएनयू में एक नारा लगता था, लाल भगवा एक है सारे कॉम्रेड फेक हैं। तो ये जो लोग हैं ये हर जगह फिट होते हैं, जैसा अभी उदाहरण दिया था राष्ट्रपति कैंडिडेट का, सिन्हा जी का, रणवीर सेना उन्हीं ने स्थापना की थी, सब चीज़ें सबके सामने अखबारों में पब्लिश हुई है, और उसी को जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया था। तो आप सोचिए कि मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। इसीलिए बहुजनों को फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावजी महाराज की आइडियोलॉजी को पकड़कर चलना होगा, उसी पर काम करना होगा, वही निजात का रास्ता है, बाकी सब अफवाहें हैं, धोखेबाजी है, बाकी सब ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। तो ये चीज़ें समझनी होगी तभी बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है। इस वक्त है हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनित आवाज़ दिल्ली।